काफी टाइम से हम लोगों को आवाज आ रही है। तो हम ये एल्गोरिथम डिस्कस कर रहे थे, ये स्लाइड शेयर हो रही है सभी को? यस सर। ठीक है, नेटवर्क अभी भी कम है, लेकिन चलो साउंड और ये स्लाइड क्लियर है तो ठीक है, फिर हम डिस्कस कर सकते हैं। तो जो हमारा इस एल्गोरिथम का पहला पॉइंट है कि वर्क, हमने एक वेक्टर ले लिया, तो वर्क इक्वल्स टू एवलेवल। एवलेवल से मतलब ये है कि जो एवलेवल वर्क है, यानी एवलेवल वर्क से मतलब जो एवलेवल रिसोर्सेस हैं। तो अभी इस पूरी एल्गोरिथम को डिस्कस कर लेते हैं, तब तुम्हारे यहाँ पे तब क्लियर होगा कि इस पास सबसे पहले स्टेटमेंट का क्या मतलब है। ये जो सेकंड लाइन लिखी है, फिनेस आई इक्वल्स टू फॉल्स फॉर ऑल आई, दिस मीन्स कि स्टार्टिंग में हम सभी, फिनेस आई मतलब कि प्रोसेस पी आई, फिनेस हुआ है या नहीं हुआ है, और फिनेस इक्वल्स टू फॉल्स मतलब ये है कि प्रोसेस पी आई या प्रोसेस आई अभी भी एक्टिव है, दैट इज नॉट टर्मिनेटेड, उसका वर्क अभी फिनिश नहीं हुआ है, वो प्रोसेस अभी भी सिस्टम में है। तो शुरुआत में जब हम एल्गोरिथम स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास क्या है, तो फिनिश आई, हर एक प्रोसेस के लिए जो फिनिश इंफॉर्मेशन है या आईएफ प्रोसेस, वो फिनिश नहीं हुआ है फॉर ऑल आई। फॉल्स मीन्स वही कि जैसे स्टार्टिंग हम लेते हैं ना, इन सम इक्वल्स टू 0, क्योंकि सम स्टार्टिंग में 0, और बाद में जब सम की वैल्यू बढ़ती जाती है तो हम सम इक्वल टू सम प्लस आई करते जाते हैं। तो फिनिश आई इक्वल टू फॉल्स मीन्स कि सारे प्रोसेस अभी फिनिश नहीं हुए। फिनिश आई इक्वल टू ट्रू मीन्स कि वो आई एफ प्रोसेस फिनिश हो गया। तो ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया कि वर्क को हमने अवेलेबल से साइन करा दिया। दूसरा है फाइंड आई सच दैट बोथ, हमें वो आई एफ प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस फाइंड करना है अब ऑपरेटिंग सिस्टम को कि जिसका फिनिश आई क्या हो, फॉल्स हो, फिनिश आई फॉल्स हो, मतलब वो प्रोसेस फिनिश ना हुआ है। मैंने ये ब्रैकेट में भी लिख दिया, प्रोसेस आई हैज नॉट फिनिश। दूसरा पॉइंट है नीड आई इज लेस देन इक्वल टू वर्क। नीड आई मीन्स प्रोसेसेस, सॉरी रिसोर्सेस नीडेड बाई प्रोसेस आई, नीडेड रिसोर्सेस फॉर प्रोसेस आई, यहाँ पे और मैं डिक्लेयर कर देता हूँ, फॉर प्रोसेस आई। तो इसका मीनिंग ये है, नीड आई इज लेस देन इक्वल टू वर्क मीन्स कि नीडेड रिसोर्सेज फॉर प्रोसेस आई आर लेस देन अवेलेबल रिसोर्सेज, मतलब हमें यानी ओएस को ऐसा प्रोसेस फाइंड करना है कि जिसका फिनिश उस आई एफ प्रोसेस का फॉल्स हो, वो फिनिश नहीं हुआ हो, और जिसकी रिक्वायरमेंट यानी नीड जो है रिसोर्सेज की, वो वर्क से कम हो, वर्क अभी अवेलेबल है हमारा, तो अवेलेबल जो रिसोर्सेस हैं उससे कम, इक्वल या लेस देन इक्वल टू, उससे कम या बराबर, क्योंकि अगर नीड क्या है उससे ज्यादा होगी जो अवेलेबल रिसोर्सेस हैं, तो वो प्रोसेस फिनिश मतलब प्रोसेस को रिसोर्सेस मिल ही नहीं पाएंगे। तो अगर ऐसा कोई प्रोसेस नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है जो ये लाइन है, इफ नो सच आई एग्जिस्ट, 2-4, अगर ऐसा कोई प्रोसेस नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, दैट मीन्स के सभी प्रोसेस का वर्क
जो सभी प्रोसेस का फिनेश आई वेक्टर है वो ट्रू है, मतलब सारे प्रोसेस फिनेश हो चुके हैं। तो अगर ऐसा कोई प्रोसेस एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो कहाँ पर जाएं हम, फोर पर। तो फोर पर जाते ही हम चेक करेंगे इफ फिनिश आई इक्वल्स टू ट्रू फॉर ऑल आई, सभी प्रोसेसेस के लिए अगर फिनिश आई ट्रू है, फिनिश हो चुके हैं, तो सिस्टम इज इन सेफ स्टेट। और अगर ऐसा प्रोसेस एग्जिस्ट कर रहा है तो आगे क्या करेंगे, वर्क इक्वल्स टू वर्क प्लस एलोक आई। अब इसको समझो, इसका मतलब क्या है कि जब हमने आईएथ प्रोसेस की बात की तो वो फिनिश नहीं हुआ था, फॉल्स दिखा रहा है, तो इसका मतलब हमने चेक किया कि उस आईएथ प्रोसेस की नीड जो है अवेलेबल रिसोर्सेज से कम है क्या, और ऐसा है तो उस प्रोसेस को प्रोसेस करा देंगे, अवेलेबल रिसोर्सेज से कम है तो उसको रिसोर्स प्रोवाइड करा देंगे, और रिसोर्स प्रोवाइड कराते ही वो प्रोसेस फिनिश हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि जब ये आईएथ प्रोसेस फिनिश हो गया, तो जब ये फिनिश हो गया तो अवेलेबल रिसोर्सेस बढ़ेंगे कि घटेंगे, कौन बताएगा? जैसे सिस्टम में कुछ प्रोसेसेस हैं, तो कोई प्रोसेस है वो अगर कंप्लीट हो गया तो अवेलेबल रिसोर्सेस पे क्या फर्क पड़ेगा? एक तो 4 ही 5 पार्टिसिपेंट हैं। प्रशांत तुम बताओ। थोड़ा डिफिकल्ट है समझने को, आई कैन अंडरस्टैंड कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट डोंट वरी कि जितना दिमाग लगाओगे उतना काम आएगा। तो आई मीन टू से कि यहाँ पर जब हमारा ये प्रोसेस फिनिश हो गया, क्योंकि हमने नीड आई लेस देन इक्वल टू वर्क है, तो यहाँ एलोकेट यानी जो अवेलेबल रिसोर्सेस हैं वो नीड यानी प्रोसेस आई को एलोकेट कर देंगे, और प्रोसेस आई फिनिश हो जाएगा। तो फिनिश होते ही अवेलेबल रिसोर्सेस को उसके जो प्रोसेस आई के रिसोर्सेस हैं एलोकेटेड वो फ्री हो जाएंगे, जो प्रोसेस आई को रिसोर्सेस एलोकेटेड हैं वो फ्री हो जाएंगे ना। तो फ्री हो गए तो अवेलेबल रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे, सिस्टम में जो अवेलेबल रिसोर्सेस थे अब वो बढ़ गए क्योंकि एक प्रोसेस फिनिश हो गया। तो अवेलेबल रिसोर्सेस कैसे बढ़ेंगे, वर्क इक्वल्स टू अवेलेबल है, इसका मतलब पहले जो अवेलेबल था वो अवेलेबल प्लस जो आईएफ प्रोसेस को एलोकेटेड थे रिसोर्सेस वो इसमें जुड़ जाएंगे। जैसे सपोज करो एलो अवेलेबल 5 हैं कोई रिसोर्सेस ए टाइप का पहले, और एक प्रोसेस टी आई है जिसको 3 रिसोर्स चाहिए, तो जब इसको 3 प्रोवाइड करा देंगे तो ये फिनिश हो जाएगा प्रोसेस आई। तो प्रोसेस आई को कुछ एलोकेटेड भी तो होंगे, कुछ एलोकेटेड होंगे, कुछ इसकी नीड होगी, तो जो नीड वाला है वो तो फ्री हो ही जाएगा यानी जो एलोकेट किया गया है, और इसके पास जो एलोकेटेड था वो भी आ गया। तो अवेलेबल रिसोर्स यानी वर्क इक्वल्स टू जो प्रीवियस अवेलेबल थे प्लस जो एलोकेटेड थे आई एस प्रोसेस के, वो मिलके अब नया जो अवेलेबल बनेगा वर्क वो ये बन जाएगा। तो इंक्रीज द अवेलेबल रिसोर्सेज बाई एडिंग द एलोकेटेड रिसोर्सेज विच आर नाउ फ्री, तो फिनिश आई इक्वल टू ट्रू, प्रोसेस आई हैज फिनिश, आई एस प्रोसेस अब फिनिश हो गया। गो टू टू, यहाँ फिर जाएंगे हम इस स्टेप पे, फिर चेक करेंगे कि फिर कोई एक प्रोसेस ऐसा मिल रहा है क्या जिसमें जिसका फिनिश नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये तो हो गया थ्योरेटिकली, अब इसको कुछ हम इंप्लीमेंट करने की सोचेंगे। तो यहाँ पर आते हैं, हाँ ये है रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिथम। तो इसको थोड़ा इसको भी देख लो, ये बैक टू रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। एक्चुअली जो क्लेम एज है, ये क्लेम एज पी आई टू आर जे, ये क्या इंडिकेट करती है कि प्रोसेस पी आई को आर जे रिसोर्स चाहिए। अगर ये डैश्ड लाइन है, जैसे ये है पी वन रिक्वेस्टिंग टू आर टू, ये कंप्लीट प्रॉपर लाइन नहीं है, ये डैश्ड लाइन है, डैश्ड
तो इस लाइन का मतलब ये है कि T1 may request the resource R2 in future for its processing. अभी T1 डिमांड नहीं कर रहा है, बट T1 may request this resource R2. क्लेम एज है ये, तो वो क्या है कि क्लेम एज इज कन्वर्टेड टू रिक्वेस्ट एज व्हेन ए प्रोसेस रिक्वेस्ट ए रिसोर्स. पहले तो क्लेम कर रहा है वो, मतलब उसके लिए, और जब उसकी रिक्वेस्ट, जब प्रोसेस को रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, तब वो रिक्वेस्ट एज में कन्वर्ट हो जाएगा. और जब रिसोर्स रिलीज होगा प्रोसेस के थ्रू, तो जो असाइनमेंट एज है वो कन्वर्ट हो जाएगी क्लेम एज में. तो इसको, इस एल्गोरिथम को देखते हैं, रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिथम फॉर प्रोसेस पीआई. इसमें क्या 3 स्टेप हैं. पहला है कि अगर जो रिक्वेस्ट आई कोमा जे है, इसका मतलब क्या है रिक्वेस्ट आई कोमा जे, कि आई एथ प्रोसेस जेथ रिसोर्स को रिक्वेस्ट कर रहा है, और आई एथ प्रोसेस की जेथ रिसोर्स के लिए जो रिक्वेस्ट है अगर नीड से कम है, एक है रिक्वेस्ट एक है नीड. नीड तो आई एस प्रोसेस को जेएस रिसोर्सेज की होगी नीड, लेकिन जो नीड है वो जरूरी थोड़ी है कि नीड एक बार में ही उसको फुलफिल हो जाएगी. नीड तो बहुत सारी होगी, लेकिन जो उसको रिसोर्सेज मिलेंगे प्रोसेस को, वो कैसे मिलेंगे, धीरे धीरे करके मिलेंगे. सपोज करो किसी प्रोसेस को 10 JS टाइप के 10 रिसोर्स की नीड है, लेकिन उस टाइम अवेलेबल 2 ही हैं, कोई किसी प्रोसेस के पास है किसी के पास है. तो जो रिक्वेस्ट करेगा वो एक बार में, अगर वो नीड से कम है तो ठीक है, दूसरे स्टेप पे चले जाएंगे, और अगर नीड से कम नहीं है तो फिर रेज एरर कंडीशन. तो उसका मतलब ये है कि रेज एरर कंडीशन सिंस द प्रोसेस हैज एक्सीडेड इट्स मैक्सिमम रिसोर्स क्लेम. जो उसका मैक्सिमम रिसोर्स क्लेम हो सकता है वो नीड से ज्यादा नहीं हो सकता. तो दूसरे पॉइंट पे आएंगे कि अगर रिक्वेस्ट आई जे जो है वो अवेलेबल से लेस देन इक्वल टू है, देन गो टू स्टेप 3. अगर अवेलेबल से कम है तो स्टेप 3 पर चले जाओ, अदरवाइज प्रोसेस पीआई मस्ट वेट सिंस रिसोर्सेस आर नॉट अवेलेबल. अगर अवेलेबल से लेस देन इक्वल टू है ये रिक्वेस्ट, तब तो यहाँ आगे बढ़ेंगे. अगर अवेलेबल से ज्यादा है इसकी रिक्वेस्ट, तो प्रोसेस पीआई को वेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना अवेलेबल है ही नहीं रिसोर्स. तो तीसरे पे आएंगे. अब तीसरे पॉइंट में क्या है कि जो एलोकेट द रिक्वेस्ट रिसोर्सेज टू पीआई, पीआई ने जो रिक्वेस्ट की थी प्रोसेस, यानी पीआई ने जेएफ रिसोर्स की जो रिक्वेस्ट की थी, अब हम इसको चेंज कर देते हैं, क्योंकि जो अवेलेबल थे तो अवेलेबल तो किसको चले गए, आई एस प्रोसेस को, इसकी रिक्वेस्ट के कारण जो अवेलेबल थे तो वो चले गए. तो अवेलेबल कितने कम हो गए, जितने अवेलेबल थे और जितने की रिक्वेस्ट आई, जैसे 10 अवेलेबल हैं आदमी और रिक्वेस्ट कोई भेज रहा 3 आदमी के लिए, तो अवेलेबल कितने बचे, कि प्रीवियस अवेलेबल 10 माइनस जितने रिक्वेस्ट किए गए, तो अवेलेबल रिसोर्स बचे अवेलेबल माइनस रिक्वेस्ट. और एलोकेशन कितना हो गया, पहले जो उसको एलोकेटेड थे, अब जितना रिक्वेस्ट और किया उसने वो उसको और एलोकेट हो गए, तो एलोकेशन बढ़ गया एलोक प्लस रिक्वेस्टेड. और नीड कितनी रह गई उसको, जितनी पहले सपोज नीड 20 की थी, तो उसने अगर 4 रिक्वेस्ट कर दिए तो अब नीड 16 की और बची, तो नीड कितनी हो गई, नीड इक्वल टू नीड माइनस रिक्वेस्ट आई. तो दिस इज द एक्चुअली एल्गोरिथम. तो अब इसमें इसको स्लाइड को पढ़ लो, क्योंकि थ्योरेटिकल है, फिर हम इसको आगे बढ़ते हैं. तो व्हेन टू प्रोवाइड रिसोर्सेज टू प्रोसेस, हमें प्रोसेस को कब रिसोर्स प्रोवाइड कराना है.
सिंपल मतलब ये। ट्राइंग टू प्रोवाइड रिसोर्सेज टू प्रोसेसेस, कोई प्रोसेस रिसोर्स की रिक्वेस्ट कर रहा है तो उस रिक्वेस्ट को तभी फुलफिल की जाएगी अगर सिस्टम हमारा सेफ स्टेट में है। अगर सेफ स्टेट में नहीं है तो प्रोसेस को सस्पेंड कर देंगे और प्रोसेस की ओल्ड स्टेट को रिकवर कर देगा ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे सिंपल केसेस में होता है ना कि तुम कोई वर्क कर रहे हो और अनसेव अनसेव तो अंडू अंडू करके प्रीवियस स्टेट में आ जाते हो, तो ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप प्रोसेस को करंट स्टेट से सस्पेंड करके और प्रीवियस स्टेट में कर देगा अगर वो सेफ स्टेट में सिस्टम नहीं पहुंच रहा है, यानी सेफ स्टेट में नहीं पहुंच रहा है, यानी डेड लॉक की अगर पॉसिबिलिटी बन रही है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे चेक करेगा कि सस्पेंडेड प्रोसेस जो सस्पेंड कर दिया ऑपरेटिंग सिस्टम ने उसको फिर से रिसोर्सेज दिए जाएं और रिज्यूम फिर से चालू किया जाए, तो ये तभी करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम जब कोई दूसरा प्रोसेस रिसोर्सेज को छोड़ेगा। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि जिस प्रोसेस को कम से कम रिसोर्सेज चाहिए वो हमेशा चलते रहेंगे और जिसको ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए वो वेस्ट करते रहेंगे। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो एक्चुअली है लंबा चौड़ा, लेकिन दिस इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर सिलेबस। तो आगे हम चलते हैं। अब ये हमारा जो सेफ्टी एल्गोरिथम खत्म हो गया, तो इस पे आते हैं हम बैंकर्स एल्गोरिथम, ये सेफ्टी एल्गोरिथम रिलेटेड टू बैंकर्स। तो बैंकर्स एल्गोरिथम का एक एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल से कुछ चीज़ें क्लियर हो गई। तो मैं इस स्लाइड को हटा के और न्यू स्लाइड शेयर करता हूँ। बैंकर्स एल्गोरिथम इम्प्लीमेंटेशन, तो इसमें क्या है कि एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं सिंपल सा, ये है। अब इस न्यूमेरिकल को क्या है कि तुम ये खुद से करके देखना, क्योंकि अब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो इस तरह के छोटे छोटे न्यूमेरिकल आ सकते हैं जो तीन तीन चार चार वैल्यू पूछ सकते हैं। एक्चुअली ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि यहाँ पर स्टेट अवे क्वेश्चन होंगे, तो तुम्हें अगर थॉरो नॉलेज होगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो एज्यूमिंग के P0 से P4 तक 5 प्रोसेसेस हैं सिस्टम पर, P0 से P4, और जो तीन रिसोर्स हैं सिस्टम में ए टाइप के 10 हैं, बी टाइप के 5 हैं और सी टाइप के 7 रिसोर्सेस हैं। तो किसी मोमेंट टाइम P0 पर इस तरह की सिचुएशन है। अब जो ये पहली लाइन है ये क्या शो कर रही है, फर्स्ट लाइन शोज के P0 प्रोसेस को ए टाइप का कोई रिसोर्स एलोकेटेड नहीं है, बी टाइप का एक एलोकेटेड है, सी टाइप का कोई नहीं है, और मैक्सिमम डिमांड ये है कोई प्रोसेस P0 अगर इतनी उसको मिल जाएगी 753, ए टाइप के 7 रिसोर्स, बी टाइप के 5 और सी टाइप के 3, तो वो कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज द सिचुएशन, उसको जो टोटल रिक्वायर्ड है फॉर कंप्लीशन तो ये है। इसी तरह सारे प्रोसेस के लिए, तो एक तरह से हम ये देख सकते हैं कि आर ए 10 है, आर बी 5 है, आर सी 7 है। तो अब हम एक चीज इसमें निकाल सकते हैं कि ए टाइप के टोटल कितने रिसोर्स एलोकेटेड हैं, क्योंकि एलोकेशन हमें चाहिए ना, क्योंकि कोई प्रोसेस रिसोर्सेस की डिमांड करेगा तो सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि अवेलेबल कितने हैं, अवेलेबल कितने हैं और एलोकेटेड कितने हैं।
तो अगर ए टाइप के हम रिसोर्स के एलोकेशन की बात करेंगे, सभी प्रोसेसेस को मिला के ए टाइप के कितने रिसोर्स एलोकेटेड हैं, इसको जोड़ लो। पी जीरो को कोई नहीं है, पी वन को दो सेम है, ठीक है, तो सेम 5 + 7 ए टाइप के 7 रिसोर्स एलोकेटेड हैं सभी प्रोसेस, बी टाइप के 2 एलोकेटेड हैं और सी टाइप के 5 एलोकेटेड हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एलोकेटेड हैं ए टाइप के 7 और सिस्टम में है ए टाइप के 10 रिसोर्स, तो अवेलेबल कितने हो गए? नहीं समझ में आ रहा है, क्या दिक्कत आ रही है बताओ मुझे, क्यों क्यों नहीं समझ पा रहे, क्या नहीं समझ पा रहे? ये फिगर तो क्लियर है सेंटी? यस तो इस फिगर में क्या दिया हुआ है? चलो मैं तुम्ही लोगों से पूछता हूँ, जहां तुम लोगों को नहीं बनेगा वहां मैं बताऊंगा। इस डायग्राम में मतलब इस टेबल में इस मैट्रिक्स में क्या दिया हुआ है? 5 प्रोसेसेस दिए हुए हैं और यस यस सर सिस्टम में 3 टाइप के रिसोर्स हैं, ए टाइप के 10 हैं सिस्टम में और बी टाइप के 5 हैं सी टाइप के 7 हैं। ये अवेलेबल नहीं है, सिस्टम के पास हैं इतने रिसोर्सेस। इस चीज में कंफ्यूज मत होना कि तुम कहोगे सिस्टम में इतने अवेलेबल हैं, ये क्या दिया हुआ है कि ये मान लो कि एक घर में ये प्लेट कटोरी चम्मच इतनी इतनी है घर में, लेकिन कोई जरूरी है कि अवेलेबल हो? हो सकता है पड़ोसी के यहाँ कुछ मांग के ले गया हो, कुछ प्लेट चम्मच कटोरी नहीं। अब मान लो कि 5 पड़ोसी हैं P0 से P4 तक, तो पड़ोसी P0 के पास इसको अगर हम प्लेट कटोरी चम्मच मानते हैं, तो प्लेट कोई भी नहीं है और पड़ोसी P1 के पास 2 प्लेट हैं हमारी, मतलब हमारे घर में अगर इतना है तो सपोज करो कि 5 पड़ोसी तो है हो भी नहीं सकते। खैर तो आई थिंक आइडिया क्लियर हो रहा है कि व्हाट आई मीन टू से वीडियो यस इंडिया में सर है कि इतने उस सिस्टम के पास रिसोर्सेस हैं कुल। इसका मतलब ये नहीं है कि अवेलेबल है, अवेलेबल ए इसलिए टाइप के रिसोर्स हमारे फ्री होंगे ना सर, फिर तो अवेलेबल जी हाँ वही मैं तुमसे कहलवाना चाह रहा था कि जो फ्री होंगे टोटल अवेलेबल ए दस टाइप के। रिसोर्स हैं उस सिस्टम के पास, तो 10 में से अलग अलग पड़ोसियों के पास है ना उन गए हुए हैं, उसके मतलब जी ओनरशिप तो सर 10 का है, तो पड़ोसियों के पास अब 10 मिनट का टाइम बचा है अपना, तो जरूरत होगी तो दोबारा से मैं कनेक्ट कर दूंगा। तो पड़ोसियों के पास गए हुए हैं, तो किसी पड़ोसी के पास कुछ कोई नहीं गया है, किसी के पास 2 हैं कोई, तो ए टाइप के 7 रिसोर्सेस एलोकेटेड हैं सभी प्रोसेसेस को मिला के, तो अवेलेबल हो गए 3। इसी तरह बी टाइप के कितने अवेलेबल हो गए? थ्री जी ठीक है ना, बी टाइप के भी 3 अवेलेबल होंगे क्योंकि 2 एलोकेटेड हैं और सी टाइप के 2 टू अवेलेबल होंगे, एलोकेटेड फाइव फाइव हो है रहे ना, हैं टू टू। अवेलेबल हाँ है। टू तो बचे अगर जी हम इसका मैट्रिक्स बनाएं और मैक्स का मतलब कि P0 को अगर 7 5 3 इतने मिल जाएं तो ये क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ हमने निकाला ए टाइप के कितने रिसोर्स एलोकेटेड हैं, यहाँ हम एलोकेशन वेक्टर निकाल रहे हैं। तो अभी जो हमने निकाला कि ए टाइप के 7 एलोकेटेड हैं, बी टाइप के 2 हैं, सी टाइप के 5 हैं रिसोर्स एलोकेशन, यही तो है 7 2 5। तो जो हमारे गिवन हैं सिस्टम में इतने हैं और एलोकेटेड कितने हैं, तो अवेलेबल हमने ऐसे निकाल लिया, ऐसे ही तो निकाला था 3 3 2, यस सर तो यस सर अवेलेबल रिसोर्स 3 3 2 आ गया। तो अब हम निकालेंगे नीड, ये तो अवेलेबल हो गए। अब नीड कैसे निकालते हैं हम? मैक्स माइनस एलोकेशन। भाई हमें जो है
एलोकेशन पता है, मैक्सिमम पता है, और अवेलेबल हमने निकाल लिया है कि अवेलेबल हमारे जो रिसोर्स है वो 3P2 है। तो अब हम हर प्रोसेस की नीड देखेंगे ना कि किस प्रोसेस को कितनी नीड है। तो नीड कैसे पता चलेगी? मैक्स माइनस एलोकेशन कर देंगे हम, क्योंकि मैक्सिमम जो उसको है रिक्वायरमेंट तो उसको कितने एलोकेटेड है, तो मैक्स माइनस एलोकेशन हम कर देंगे तो नीड आ जाएगी। भाई सिंपल अपना देहाती तरीका है कि जितने जितने में हमारा पेट भर रहा है 10 रोटी में, और सपोज हमें अगर 2 रोटी अवेलेबल एलोकेटेड है तो हमें रिक्वायरमेंट कितनी 8 रोटी की और है, तो मैक्स माइनस एलोकेशन कर दिया तो ये नीड आ गई। अब देखो यहाँ, ठीक है ना, नीड में तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। क्या किया हमने? मैक्स माइनस एलोकेशन। नीड का मतलब कि अब प्रोसेस P0 को अगर ए टाइप के 7 रिसोर्स, बी टाइप के 4, सी टाइप के 3 और मिल जाएं तो ये कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इतना इसको एलोकेशन है पहले से, ये इसकी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है। क्लियर? तो ये सभी की नीड आ गई। अब इसमें जब OS चलेगा तुम्हारा P0 से P1, P2, P4 की तरफ, तो ये देखो कि P0 क्या प्रोसेस हो सकता है। देखो अपना लगाओ दिमाग, कोई भी प्रोसेस प्रोसेस कैसे होगा, कैसे उसका प्रोसेसिंग होगी? सर अगर इसको नीड मिल जाए, सर ये हो सकता है प्रोसेस, क्योंकि तो इसको अब नीड आ गई ना टेबल में। नहीं नहीं ऐसा है, देखो उस मोमेंट पर हमारे पास अवेलेबल है 3, 3, 2, तो जिसकी नीड अवेलेबल से कम या बराबर होगी वही तो प्रोसेस हो पाएगा। Yes, P3 पहले प्रोसेस करेगा सर। P3 क्यों? उससे इससे मतलब नहीं है कि नीड किसकी कम है, वो तो बारी बारी से चलेगा ना OS P0 से। भाई इसमें ये अज्यूम कर रहे हैं कि वो अगर इनका अराइवल टाइम भी अलग अलग है तो ये अलग अलग दिया होगा, यहाँ अराइवल टाइम से हमें मतलब नहीं, तो P0 को देखेगा। अब ये मान के चल रहे हैं ना कि वो सिस्टम में पहला प्रोसेस चेक करेगा वो P0 है, दूसरा P1 चेक करेगा। अब इसमें अगर फर्दर कोई एल्गोरिथम होती कि अगर ऐसी कोई एल्गोरिथम है शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जिसमें शॉर्टेस्ट रिसोर्सेज नीडेड टाइप की एल्गोरिथम, तब तो P3 उसको कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारा P1 प्रोसेस हो गया, ठीक है, क्योंकि P1 को चाहिए 1, 2, 2 और अवेलेबल है 3, 3, 2, तो P1 प्रोसेस हो गया। अब P1 के प्रोसेस होते ही तो किस पे चेंज आएगा? P1 के प्रोसेस होते ही जो P1 को एलोकेशन है, जो रिसोर्स एलोकेशन है, वो फ्री हो जाएंगे रिसोर्सेस P1 के। अभी जो P1 पकड़े हुए है वो फ्री हो जाएंगे ना, तो P1 के जो एलोकेशन है वो 200 है, और P1 के फिनिश होते ही ये जो अवेलेबल है 3, 3, 2, इसका ये नया वेक्टर क्या बन जाएगा अवेलेबल का, कौन बताएगा? 5, 3, 2। हाँ ठीक है, 5, 3, 2, क्योंकि P1 के जो P1 जो पकड़े हुए था वो छोड़ दिए उसने अब फिनिश होते ही, तो अवेलेबल नया अवेलेबल हो गया हमारा 5, 3, 2। तो अब 5, 3, 2 से आगे चलेंगे, देखो पीछे नहीं जाएगा OS, P0 की तरफ नहीं जाएगा, जाएगा भी तो प्रोसेस नहीं हो पाएगा, तो P2 प्रोसेस हो सकता है क्या? देखो P2 प्रोसेस हो सकता है, कौन बताएगा? नहीं होगा, क्योंकि A टाइप के 5 रिसोर्स चाहिए, 5 अवेलेबल है ना, लेकिन P2 को तो 6 चाहिए A टाइप के, तो P2 नहीं हो पाएगा, P3 हो जाएगा। Yes, sir. और P3 के होते ही अब अवेलेबल रिसोर्स कितने हो जाएंगे, एक एक इधर बढ़ जाएगा, तो 5, 4, 3, 5, 4, 3 होगा कि अभी 5, 3, 2 था? Yes, sir. सर, 5, 4, हाँ 5, 4, नहीं सर 7, 7 हो जाएगा, ये जुड़ेगा, ओके ओके, ये थोड़ी जुड़ेगा,
ये जुड़ेगा जी भाई तो फाइव फोर नहीं नहीं अरे ये जुड़ेगा ना अच्छा नहीं तो अब पी टू प्रोसेस हाँ ये जो इसको एलोकेशन है वही तो जुड़ेगा 532 में यस सर तो ये हो जाएगा 7 तो ये 7 हो जाएगा ना 743 हाँ 743 हो जाएगा तो ये देखो इसमें आगे मैंने बनाया हुआ तो P1 के प्रोसेस होते ही 532 निकाल लिया हमने वेक्टर फिर उसके बाद P2 प्रोसेस नहीं होगा P3 के होते ही ये 743 हो गया P3 फिनिश हुआ ना तो P3 के बाद P4 फिनिश हो जाएगा और फिर P0 हो जाएगा यही तो होगा यस सर जैसे ये हुआ तो ये P1 के इसमें ऐड हो गए फिर P3 के ऐड हो गए फिर P4 फिनिश हुआ तो ये ऐड हो गए तो इस तरह बाद में P0 फिनिश हो जाएगा तो जो हमारी सेफ सीक्वेंस आई वो क्या आई P1 P3 फिर P4 फिर P2 यही हुआ ना फिर P0 सबसे लास्ट में चेक कर लो एक बार यहाँ पर हमारा P1 के फिनिश होते ही ये 532 हो गया था तो 532 से इसकी नीड ज्यादा है तो ये तो प्रोसेस होगा नहीं तो P1 होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 743 हो जाएगा P3 के फिनिश होते ही और 743 के बाद ये P0 पर आएगा इसकी नीड अवेलेबल से कम हो जाएगी ये जो हम ऐड करते जा रहे हैं वो अवेलेबल में जुड़ता जाएगा ना जो अवेलेबल ये जी सर हाँ तो P4 के फिनिश होते ही फिर ऐड हो जाएगा फिर बाद में P1 फिनिश हो जाएगा क्योंकि अब कोई रिसोर्सेज की दिक्कत नहीं आएगी दो तीन अगर फिनिश हो गए तो जो अवेलेबल होंगे हमारे पास वो सफिशियंट होंगे सेवन तो यही हो गए थे फिर इसके बाद दो और इसमें ऐड हो जाएंगे तो ये देखो इस तरह का बनेगा P3 के फिनिश होते ही 743 हो गए फिर P4 फिनिश होगा फिर P0 तो हमारी जो सेफ सीक्वेंस आई प्रोसेस की P1, P3, P4, P2, P0 तो इस ऑर्डर में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस को लेता है तो कहीं कोई डेडलॉक नहीं मिल रहा है लेकिन अगर ऑर्डर चेंज करता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम को वेट करना पड़ेगा मतलब प्रोसेस को वेट करना पड़ेगा कि दूसरा प्रोसेस रिसोर्सेज को रिलीज करे ठीक है सो आई थिंक आइडिया इज क्लियर रिगार्डिंग द बैंकर्स एल्गोरिथम बैंकर्स एल्गोरिथम में दो सेपरेट एल्गोरिथम है जो पहले बताया मैंने सेफ्टी एल्गोरिथम फिर दूसरी रिसोर्स एलोकेशन एल्गोरिथम दोनों को मिला के बैंकर्स एल्गोरिथम